आपका नाम? मेरा नाम नीरज यादव है। क्या हुआ था? गिट्टी हो रही थी, इंजीनियर था दीपक, वो गिट्टी होते हमने उससे पहले ही बोला था ये गिट्टी नहीं झेल पाएगी, ये पैप लग रही है झेल नहीं पाएंगे गिट्टी, वो गिट्टी ज्यादा है, पैप नहीं लगवाओ, शटरिंग नहीं लगवाओ। उसने कहा सब हो जाएगा, कोई बात नहीं तुम करो। और आज दिन में लंच भी नहीं करने दिया उसे, और लंच भी नहीं करने दिया फिर भैया। और फिर मजदूर तो कर रहे थे, 9-10 आदमी थे, दो तीन दबे थे, इसके भी चोट लगी है, इसके भी चोट लगी है यहाँ पे। और उसे गिरते ही इंजीनियर भाग गया, अगर वो होता तो ये बच जाता, इंजीनियर होता 2 घंटे हो गए कम से कम। बताएंगे जीएमडी बनाते रेलवे बनाते गुरुग्राम के धर्मापुर रेलवे अंडरपास पर डल रहे लेंटर के अचानक गिरने से कुछ मजदूर इस जगह पर दब गए हैं, जिसमें से कुछ लोगों को तो निकाल लिया गया है, मगर बताया जा रहा है कि एक मजदूर अभी भी अंदर दबा हुआ है, जिसके परिजन जो हैं इसके बाहर जो है बिलखते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, गुरुग्राम के धर्मापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर काम चल रहा था इसका, लेंटर डलने का, रेलवे का ये अंडरपास था जिसके ऊपर लेंटर डाला जा रहा था यहाँ पर, और इस जगह पर अचानक जो है सेटरिंग टूटने की वजह से अचानक लेंटर जो था वो नीचे आ गया, जिसमें नीचे काम करे जो मजदूर थे वो दब गए। और ऐसे में फिलहाल जो है कुछ मजदूरों को, 2 से 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, और बाकी एक जो मजदूर है वो अभी भी दबा हुआ बताया जा रहा है, जिसको बीते कई घंटों से लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है, मगर आपको बता दूं कि उसको भी बाहर नहीं निकाला गया है, जिसकी तस्वीरें आप सीधे तौर पर इंडियन न्यूज पर सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हर मुमकिन मशक्कत की जा रही है। और इसी जगह पर जहां आप ये बैंड देख रहे हैं, जहां से झुका हुआ है, यहीं पर एक मजदूर जो है फंसा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर गुरुग्राम पुलिस भी यहां पहुंच गई है, और आपको बता दूं कि काफी समय से जो है इस अंडरपास का काम चल रहा था, और ऐसे में इस अंडरपास में आज अचानक जो है हल्की दरारें आई, और दरार आने के बाद जो लेंटर जो डाला जा रहा था वो पूरा भारी भरकम लेंटर नीचे आ गिरा, और उसके बाद जो है तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो है इस लेंटर के झुकने की वजह से काम कर रहे जो मजदूर थे जो लेंटर डाल रहे थे वो इसके अंदर फंस गए, कुछ को निकाल लिया गया, और एक एक मजदूर अभी भी इसमें बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर जो बचाव दस्ते यहाँ पहुंचे हैं आखिर कब तक उस मजदूर को बाहर निकाल पाएंगे। और काफी बड़ी दुर्घटना ये गुरुग्राम के धर्मापुर अंडरपास के पास हुई है, जिससे कि आसपास का जो इलाका है काफी दहल गया है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, कैमरा मनिंदर के साथ इंडिया न्यूज़।